ग्राउंड மொத்தம் ஆளுங்க இருக்கலாம் ஆனா ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் ஒருத்தர மட்டும் தான் பாப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆட்ட நாயகன் आइए दोस्तों, एक साउथ की मूवी ने पूरी दुनिया भर में नहीं पूरे देश विदेश में तहलका मचा के रखा। हाँ जी दोस्तों, जो इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन आ रही है वो सबको हैरान करने वाली आ रही है और वो बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। और वही बात कर रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा हम कौन सी मूवी के बारे में बात करने वाले आज। हाँ जी दोस्तों, हम बात करेंगे आज वायरस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। और ऐसी अपडेट से बने रहने के लिए अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और उसी के साथ हम आज बात करेंगे दूध का दूध और पानी की पानी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि वॉरिस मूवी का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 72 करोड़ हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, मैं मान सकता हूँ कि वॉरिस मूवी के जो सेटेलाइट्स ओवर एसएस मार्केट में जो बेचे हैं वो लगभग से 340 करोड़ रुपये के बेचे हैं। वही बात कर ले, वॉरिस मूवी का जो बजट है वो लगभग से 100 करोड़ रुपये है और रिलीज से पहले ही उसने 340 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। हाँ जी दोस्तों, तो ये मूवी मान ले तो एक डिजास्टर है। और वहीं पे कुछ मुझे लोग कमेंट कर रहे थे जो इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 72 करोड़ रुपए हो चुकी है, वहीं का दूध और पानी का पानी कर दे, ये सब फेक है। हाँ जी दोस्तों, अभी तक वॉरिस मूवी की कोई सी भी जो विजय थलापति सर की मूवी है इतनी एडवांस बुकिंग नहीं कर पाई है, वो चाहे मास्टर हो या बीस्ट हो वो कभी नहीं कर पाई है। हाँ जी दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा आपको, जो वॉरिस मूवी के ट्रेलर है वो थिएटरों में चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, उसको पे नहीं देखा जा रहा है। जो थिएटरों की फीस है वो लगभग से 30 रुपए है। मैं मान सकता हूं अभी तक वॉरिस मूवी ने 5000 टिकटें सेल कर दी है ऑल इंडियन में। बात कर ले तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी में अभी तक 6-7 हजार टिकटें सेल कर दी है वॉरिस मूवी ने। वही बात कर ले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये अपने पहले ही दिन लगभग से इंडिया से ही लगभग से 15-20 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। वही बात कर ले ऑल इंडियन के बारे में, तो ऑल इंडिया मार्केट से ये लगभग से 40-50 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी अपने पहले ही दिन। वही ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और विजय थलापति सर की आप बहुत बड़े वाले फैन हो तो कमेंट कर जरूर बता दे तो जय हिंद, वंदे मातरम।